हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विशिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी जोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो गाइज करते हैं रीडिंग स्टार्ट। आज हम देखने वाले हैं आपकी और आपके पर्सन दोनों की एनर्जीज को चेक करते हैं, ठीक है। गाइज, आप लोगों को कोई भी कमेंट सेक्शन में अगर नंबर देता है और बोलता है प्लीज व्हाट्सएप मी, तो आप उसे इग्नोर करें क्योंकि वो कमेंट्स मेरे नहीं होते हैं। कुछ फ्रॉड लोग हैं यहाँ पर जो आपसे बोलते हैं व्हाट्सएप मी और उसके बाद आपसे पैसा मांगते हैं, ठीक है, वो फ्रॉड है। गाइज, आप अवेयर रहें थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपकी और आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है, क्या चल रहा है आप लोगों के मन में। आपके पर्सन की एनर्जीज में गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा साइलेंट है इस वक्त, ठीक है। ये किसी से बात नहीं करना चाहते इस वक्त। आपके पर्सन बहुत कम बात कर रहे हैं किसी से भी, ऐसा नहीं है कि ये आपसे ही बात नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अपने घर में भी लोगों से बहुत कम बात कर रहे हैं, चुप हो गए हैं आपके पर्सन, बिल्कुल खामोश, जिसे हम कहते हैं ना, खामोशी आपके पर्सन ने धारण कर ली है इस वक्त। किसी से कुछ भी नहीं कहना, ना शिकायत करनी, ना गुस्सा करना, ना कुछ जताना है, ना कुछ बताना है, ठीक है, ना कुछ देना है, ना कुछ मांगना है। ऐसी एनर्जीज आपके पर्सन की हैं अभी, खामोशी वाली एनर्जीज। आपके पर्सन की साइड से गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि डिप्रेशन है इनको, ठीक है, डिप्रेशन है और थोड़ा सा रिग्रेट की एनर्जी भी यहां पर है। आपके पर्सन को जो भी चीजें पास्ट में हुई हैं, चाहे आपके साथ हुई हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ हुई हो, जो फैमिली मेंबर्स के साथ हुई हो, वो सारी बातें आपके पर्सन को बहुत ज्यादा याद आती हैं, ठीक है। और आपके पर्सन को रिग्रेट होता है, ठीक है गाइस, जो भी उनका बिहेवियर पास्ट में रहा है, चाहे आपके साथ हो चाहे किसी और के साथ हो, उन सारी चीजों पर उन्हें कहीं ना कहीं रिग्रेट होता है। यहां पर मैं ये देख रही हूँ गाइस, इस व्यक्ति ने अपनी फीलिंग्स को काफी ज्यादा कंट्रोल कर रखा है, ठीक है। ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं। अगर मैं ऐसे बोलूँ ना, तो आप हर चीज के लिए खुद को रोक रहे हैं। अगर इनको कोई कुछ कह जा रहा है तो गुस्से में, गुस्सा करने से खुद को रोक रहे हैं, ठीक है। अगर ये किसी को कुछ बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उस चीज से खुद को रोक रहे हैं, ठीक है। जो भी चीजें, जो भी मन में इनके आ रहा है गाइस, ये उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर मुझे कंट्रोल की एनर्जी फील हो रही है। आपके पर्सन अपनी फीलिंग से भागने की कोशिश कर रहे हैं एक तरीके से, जो इनको ऐसा लग रहा है गाइस कि इनको घुटन हो रही है फिर उसकी वजह से, क्योंकि खुद से भागने की कोशिश कर रहे हैं, खुद की फीलिंग से भागने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी इनको इस वक्त हो रहा है, उन सारी चीजों से भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज आपके पर्सन को थोड़ा परेशान कर रही है यहां पर। आपकी एनर्जीज में मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आप लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्लैरिटी ना होने की वजह से, ठीक है। आप लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्लैरिटी ना होने की वजह से। आपको ऐसा है गाइस कि आपने उम्मीद बनाई हुई है, ठीक है, आपको आपको भरोसा तो है, लेकिन आपको आपकी आंखों के सामने अंधेरा नजर आता है, ठीक है। मतलब एक इंसान उम्मीद बनाता है तो उसे ये होता है कि हाँ कुछ रोशनी है, कुछ कुछ तो भी ऐसा है जिससे उम्मीद है कि आगे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको वो रोशनी की किरण नहीं दिख रही। आपको आंखों के आगे से हमेशा अंधेरा दिखाई दे रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी एक ऐसे रास्ते पर चल चुका हूं जहां पर मंजिल मिलेगी भी या नहीं, ये कुछ पता ही नहीं है, और ये भी नहीं पता है कि कितने समय बाद मिलेगी। सो आपकी एनर्जीज में ये है गाइस, क्लैरिटी नहीं मिल रही। अगर आपको कोई बता दे कि आपको 10 कदम ही आगे चलना है, या 10 कदम चलने के बाद मंजिल मिल जाएगी, या फिर इतना इंतजार करना है,
तो एक समय एक समय के लिए आपके मन में थोड़ी सी शांति आएगी, लेकिन आपको यही नहीं पता कि आपकी मंजिल क्या है, आपको ये भी नहीं पता कि आपको कितना इंतजार करना है। ये चीजें मुझे आपकी एनर्जीज में दिखाई दे रही हैं। देखिए गाइज, आपने उम्मीद भी लगाई हुई है, आपको डिवाइन पर भरोसा भी है, लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है या आपको कोई आउटकम नहीं मिल रहा है। ये चीज कहीं ना कहीं आपको परेशान करती है कि आप किसी ऐसे रास्ते पर तो नहीं चल रहे हैं जिसका कोई भविष्य ही ना हो। ठीक है, ये एनर्जीज मुझे आप लोग की तरफ से फील हो रही है। अगर गाइज आपसे आपकी एनर्जीज रेजोनेट करेंगी तो डेफिनेटली आपकी पर्सन वाली एनर्जीज आपके लिए ही है। आज के दिन में मैं ये देख रही हूँ गाइस कि आपके पर्सन को किसी ने हर्ट किया है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, आपके पर्सन को किसी ने आज के दिन में हर्ट किया है। ऐसा लग रहा है कि इनको कुछ ऐसा सुनने को मिला है या देखने को मिला है जो आपके पर्सन ना तो सुनना चाहते थे ना देखना चाहते थे। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा जो अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, हम रीडिंग करते हैं ना, अचानक से कोई चीज हो जाना अनएक्सपेक्टेड वे में, ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड वे में आपको किसी के आपके पर्सन को किसी ने हर्ट किया है आज के दिन में। आपकी एनर्जीज गाइस ऐसी है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप बंधे हुए हो। ठीक है, ना आप रुक पा रहे हो ना जा पा रहे हो। आपको ऐसा भी लग रहा है यहां पर कि आपको किस पर विश्वास करना चाहिए, कौन भरोसे के लायक है। सबसे बड़ी एनर्जी जो यहाँ पर निकल कर आई है गाइस कि आप लोगों को अब किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है। ठीक है, आप डिवाइन के ऊपर भी ट्रस्ट बनाए हुए हो, लेकिन यहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि डिवाइन ने अभी तक तो आपकी सुनी नहीं, तो क्या गारंटी है कि वो आगे भी आपकी सुनेंगे। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में जो डाउट्स क्रिएट होते हैं वो डिवाइन को लेकर भी होते हैं। उनके लिए भी आप पूरी तरीके से सरेंडर नहीं हो, या आपको पूरी तरीके से विश्वास नहीं है कि चीजें ठीक हो जाएंगी एक दिन आपकी लाइफ में। आपको ये समझ में नहीं आता है कि कितना समय लगेगा। आपकी एनर्जीज में मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि आप इंतजार करके थक गए हो। ठीक है, आप इंतजार करके थक गए हो, आप इंतजार करते हो खुशियों का, आप इंतजार करते हो कि कभी तो प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, कभी तो लाइफ चेंज होगी, आप इंतजार करते हो कि कभी तो सारी चीजें ठीक होंगी। सो मैं आपकी एनर्जीज में सबसे ज्यादा जो देख रही हूँ वो है इंतजार, वेटिंग एनर्जी में होगा इस आप अपनी जिंदगी में हर चीज के लिए। ठीक है, एक इंसान मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है जो बस खड़े होके दोनों आंखों से सिर्फ देखे जा रहा है कि कभी तो मेरा समय आएगा। ठीक है, आप अपने समय का इंतजार कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आपके पर्सन ने गाइज यहाँ पर बाउंड्री सेट कर रखी है। ठीक है, ये इस वक्त खामोश हैं, ना तो ये कुछ जताना चाहते हैं, ना बताना चाहते हैं, ना ये अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं। गाइज ये खामोश हो चुके हैं और इन्होंने बाउंड्रीज को यहाँ पर सेट कर लिया है। ये ना ही आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं सामने से, ठीक है, और ना ही गाइज ये आपके कॉल मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हैं। मतलब ये बात सामने से भी नहीं करना चाह रहे इस वक्त, और ये आपके मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, एक्शन की एनर्जी होगी आज की रीडिंग में मुझे फील नहीं हो रही है। कुछ एक्शन मुझे इनकी तरफ से होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा भी पॉसिबल है गाइस कि आप इन्हें मैसेजेस कर रहे हो तो ये रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, अभी गुस्से में भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, प्यार से तो छोड़ ही दीजिए। यहाँ पर बी लेटर काफी स्ट्रांग निकल कर आया है गाइस। आप गाइज इस कनेक्शन में अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस चाहते हो। ठीक है, आपको लग रहा है कि बस एक बार चीजें बैलेंस हो जाए और लाइफ एक सही ट्रैक पर आ जाए, उसके बाद मैं अपनी लाइफ में सब करने के लिए तैयार हूं। आपको गाइज अगर अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए माफ करना पड़े या माफी मांगना पड़े, आप दोनों चीजों के लिए तैयार हो। ऐसा नहीं है कि आप माफी नहीं मांग सकते, या ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों को माफ नहीं कर सकते, आप दोनों ही चीजों के लिए तैयार है। बस शर्त यह है कि आपकी लाइफ में बस बैलेंस बन जाए। आप लोगों की एनर्जी बहुत छटपटाई हुई है क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ, कौन सा आपने रास्ता चुन लिया है, कौन से ट्रैक पर आप जा रहे हो। ठीक है, आप अपनी लाइफ में बड़े ही कंफ्यूज मुझे दिखाई दे रहे हो गाइस, और इस कंफ्यूजन का कारण ये है क्योंकि आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। बेसिकली मैं ये देख पा रही हूँ गाइस कि आप क्लैरिटी किसी इंसान से चाहते हो,
ठीक है, आपको बस एक चीज जाननी है कि यहाँ पर ये चीज पॉसिबल है या नहीं, आपको एक बार ये चीज पता चल जाए, इसके बाद आप क्लियर हो जाओगे और आपको आपका रास्ता मिल जाएगा। अभी आप एक अंधेरे रास्ते पर चल रहे हो, आपको कभी कभी ऐसा फील होने लगता है कि लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, नथिंगनेस वाली एनर्जी आपको फील होने लगती है। आपके पर्सन के साथ प्रॉब्लम ये है गाइस कि ये एक ही टाइम पर किसी भी बात के लिए, इनको इनको भी क्लैरिटी नहीं मिलती गाइस, इनको क्लैरिटी इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि ये किसी बात को सोचते हैं तो ये दोनों का इस्तेमाल करते हैं, दिल का भी और दिमाग का भी, ठीक है, तो इनको रास्ता कैसे ही मिलेगा। दिल हमेशा इमोशनल होता है, वो इमोशनली चीजों को सोचेगा, इमोशनल रास्ते बताएगा, और दिमाग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, वो आंखों देखी चीजों पर विश्वास करता है, महसूस की हुई चीजों पर दिमाग विश्वास नहीं करता है, वो काफी प्रैक्टिकल होता है, तो वो हमेशा प्रैक्टिकल रास्ते बताएगा। और आप किसी प्रॉब्लम का अगर सोल्यूशन चाहोगे और आप सोचो कि दिल और दिमाग एक ही डायरेक्शन में आंसर दे, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये कदई पॉसिबल नहीं है। दिल हमेशा इमोशंस बताएगा, भाव से चीजों को एनालाइज करेगा, जबकि दिमाग आंखों देखी चीजों पर विश्वास करेगा और उस हिसाब से आपको बताएगा कि क्या करना चाहिए, वो प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो आपके पर्सन को भी क्लैरिटी नहीं मिलती है और उसका कारण ये है क्योंकि ये चाहते हैं कि एक प्रॉब्लम पे इनका दिल और दिमाग दोनों ही एग्री कर जाएं, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये आपके पर्सन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं इतने लंबे टाइम से रीडिंग कर रही हूं और जो मैंने यहां पर देखा है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पर्सन यहां पर यही चीज सबसे ज्यादा करते हैं कि दिल और दिमाग को संग में लेकर चलते हैं। आप दोनों के मन में ना गाइस प्यार बहुत है एक दूसरे के लिए, ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि प्यार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके पर्सन को ये लगता है कि प्यार से ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें भी इस दुनिया में हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनके लिए प्यार इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इनके लिए प्यार के साथ साथ बाकी सारी चीजें भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं। मैंने ये कहा ना गाइस अभी आपसे कि ये दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब ये दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा कर लेते हैं तो दिल से मजबूर हो जाते हैं, और जब दिल का इस्तेमाल ज्यादा कर लेते हैं तो दिमाग से मजबूर हो जाते हैं। और आप लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मोस्टली दिल का ही इस्तेमाल करते हो किसी भी सिचुएशन या प्रॉब्लम में, ठीक है, इसीलिए आप हर्ट होते हो, आपके हर्ट होने का कारण मेन यही है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ईगो, लड़ाई, घमंड, इन सारी चीजों से ऊपर रिश्ता होता है, प्यार होता है, ठीक है, तो आप एक बार को झुकना पड़े तो झुकने में भी आप संकोच नहीं करते हो, ये आपकी एनर्जीज में दिखाई देता है गाइस। आप लोगों का बस एक ही चीज है गाइस कि आप लोग यहां पर ये चाह रहे हो कि आपके साथ डिवाइन जस्टिस कर दें और एक रास्ता दे दें कि इस रास्ते पर आपको चलना है, यहां पर चीजें पॉसिबल है, यहां चीजें पॉसिबल नहीं है। बेसिकली आपको ना ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहां पर चीजें हो पाएंगी भी या नहीं, पॉसिबल है भी या नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप लोगों ने बैलेंस बनाने की बहुत ज्यादा कोशिश की है, मैं आप लोगों के लिए ये भी देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पर बैलेंस्ड भी हैं, ठीक है, लेकिन आपके साथ भी ये होता है गाइस कि आपकी एक्सपेक्टेशंस अभी तक अंदर से पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, ठीक है, उम्मीद आपने आज भी बनाई हुई है, लेकिन आप उस उम्मीद की वजह से बीच बीच में अपने आप को कभी कभी हर्ट भी कर लेते हो। देखिए आप लोग को मैं ये देख रही हूँ गाइस कि आप लोग एक्सपेक्ट ज्यादातर ना दूसरों से करते हो, और आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि वो ज्यादातर चीजें खुद से एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, तो जो भी एक्शंस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, उनके लिए वो अपने आप को ही जिम्मेदार मानते हैं, और आपकी लाइफ में जो एक्शंस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, वो मोस्टली इसीलिए होते हैं क्योंकि आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखते हो, इसीलिए आप उनकी वजह भी दूसरों को मानते हो, ऐसा मुझे आप लोगों की एनर्जीज में दिखाई दे रहा है। चलिए गाइज अभी हम कुछ कार्ड से देखने की कोशिश करते हैं, आपसे रीडिंग रेजोनेट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करेंट फीलिंग्स और मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, पार्टनर्स की यहाँ, मेरे व्यूअर्स की यहाँ। देखिए इनका बस यही चलता है गाइस, अपना सपना मनी मनी, ठीक है, आपके पर्सन का आप बैलेंस करना चाह रहे हो, जैसे मैंने बोला था ना, आप सिचुएशन बैलेंस करना चाह रहे हो, टेम्परेंस का कार्ड है।
अब ये गाइस इनके कामों में भी डिले होता है, क्योंकि क्या है ना कि पैसे में दिमाग लगा तो लिया है, लेकिन यहाँ पर ये भी है गाइस के मन नहीं लग रहा। ठीक है, जब आप करियर में बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाते हो तो आपका दिमाग चलता है, आपको टाइम नहीं मिलता है, लेकिन जितने टाइम भी आप फ्री बैठते हो वहां पर मन की बात आती है। आप परेशान हो शादी को लेकर गाइस, ठीक है, आप लोगों की जो मेन है परेशानी की वजह वो है शादी, चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड। आपके पर्सन देखिए जगल ही करते रहते हैं हमेशा दिल और दिमाग के बीच में, जो मैं आपसे बोल रही थी ना गाइस वही कार्ड्स भी यहां पर हैं। डेविल, आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी रहती है गाइस। फाइव ऑफ वैंड्स एंड सन, आपकी तो बहुत मिक्स्ड एनर्जीज आई है। बॉटम से है सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ये म्यूचुअल एनर्जी है। ठीक है गाइज, यहां पर देखिए कैसे कार्ड्स आए यू विल स्टेम में। आपके पर्सन का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं करियर पर होता है, अबंडेंस पर होता है, क्योंकि ये इंसान भागने की कोशिश करते हैं फीलिंग्स से। तो जब ये भागने की कोशिश करते हैं तो ये अपना पूरा ध्यान जाकर अपने करियर पर लगाते हैं, पैसा कमाने में, अपना बिजनेस बनाने में, ठीक है, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने में, स्टेबल बनाने में। लेकिन ये चीजें करने की वजह से भी गाइस इनके दिमाग में क्लैरिटी नहीं आती है, जगह ये बराबर करते हैं। ठीक है, कभी दिल से सोचते हैं, कभी दिमाग से सोचते हैं, फिर दिल से सोचते हैं, फिर दिमाग से सोचते हैं, तो जगह ये हमेशा करते रहते हैं, तभी इनको कोई क्लैरिटी नहीं मिलती। और अभी भी इनकी एनर्जीज ऐसी ही है गाइस। यहां पर देखिए इनको ना इनका मन भी नहीं लगता, आप सेवन ऑफ पेंटिकल्स को देखिए, इनका मन भी नहीं लगता, इनको ऐसा लगता है कि काम हो ही नहीं रहे हैं। ठीक है, और इनके कामों में ना मैं ये भी देख रही हूँ गाइस, आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर, आपके पर्सन की लाइफ में ना लोग भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस इंसान की जिंदगी बिल्कुल मक्खन है और सीधे चली चली आती है ट्रैक पर, ऐसा नहीं है। इनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स को क्रिएट करने वाले लोग होते हैं, इनकी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं हर मोड़ पर आ जाते हैं चैलेंज बनने के लिए, मतलब चैलेंज बनकर आ जाते हैं आपके पर्सन के लिए। आपकी एनर्जीज है गाइस की टेम्परेंस, आप पहली बात तो यहां पर हील होना चाहते हो, एंजल्स का सपोर्ट लेना चाहते हो, बैलेंस करना चाहते हो सिचुएशन। ठीक है, ये मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। आप देखिए गाइस डेविल और सन का कॉम्बिनेशन, ठीक है, यहां पर टेम्परेंस है, डेविल और सन है, आप लोगों की एनर्जीज है समटाइम्स पॉजिटिव। ठीक है, जब तक आपने रीडिंग सुनी या फिर आपने थोड़े समय तक मेडिटेशन वगैरह किया तब तक आप बहुत पॉजिटिव, आपको ऐसा लगेगा लाइफ बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रही है और आप बहुत पॉजिटिव रहोगे। उसके बाद कुछ समय के बाद आप वापस नेगेटिव हो जाओगे, आपकी एनर्जीज फिर लो हो जाएंगी, फिर आपको लगने लगा कुछ नहीं हो रहा है लाइफ में, सब बेकार हो गया, कुछ भी सही नहीं होगा, कुछ भी सही नहीं हो सकता, आप फिर वापस ऐसे चले जाओगे। और मेन जो कारण यहाँ पर बना हुआ है गाइस, या तो आप पहले से मैरिड हो, ठीक है, या अगर आप अनमैरिड हो तो भी आपका जो कारण है वो शादी को लेकर बहुत ज्यादा है। आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम और सबसे ज्यादा टेंशन अगर किसी बात की होती है तो वो है शादी। ठीक है, आप या तो शादी किसी पर्टिकुलर इंसान से करना चाहते हो या फिर आप पहले से शादीशुदा हो, आप अपनी शादी में परेशान हो। ठीक है, आपकी जो मैरिड लाइफ है वो ठीक नहीं चल रही है। सो यहां पर मैं ये देख रही हूँ कि आपका ये जो कारण बना हुआ है नेगेटिविटी का वो है शादी गाइस, और दूसरा कि आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं बन पा रहा है। समटाइम्स पॉजिटिव, समटाइम्स नेगेटिव, समटाइम्स सन की एनर्जी में, समटाइम्स डेविल की एनर्जी में। यहाँ पर गाइस सिक्स ऑफ सोर्ड्स ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन का भी वही चीज रहता है कि आपकी तरफ बढ़ा जाए, और आपको भी यही चाहिए कि आपके पर्सन आपकी तरफ आए, लेकिन एक्शन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। आप तो फिर भी यहाँ पर ऐसा है गाइस कि हर चीज के लिए तैयार हो। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे कि कॉम्प्रोमाइज कर लो तो आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी तैयार हो। ठीक है, आप एक्शन लेने के लिए भी तैयार हो, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जीज में एक्शन नजर नहीं आ रहा। मैंने आपसे रीडिंग में ही बोला था कि आपके पर्सन की एनर्जीज में यहाँ पर मुझे एक्शन नजर नहीं आ रहा। कुछ अल्फाबेट्स लेते हैं गाइस। बस सफिशियंट है, आज अल्फाबेट है यू, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, डी लेटर हो सकता है, ए लेटर हो सकता है, मे मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, थ्री नंबर है, ई लेटर है, एम लेटर है, एंड डार्क स्किन, आप या आपके पर्सन की डार्क स्किन हो सकती है।
वी आर सोलमेट एंड आई नो दिस. आपके पर्सन का मैसेज है वी आर सोलमेट एंड आई नो दिस, हम सोलमेट हैं और मैं ये जानता हूं, जानती हूं. अगर मैं जिद्दी तो तुम भी कोई कम नहीं हो. आपके पर्सन कह रहे हैं अगर मैं जिद्दी तो तुम भी कम नहीं हो. तेरी आंखों में खो जाने को जी चाहता है. मैं अपनी लड़ाकू को बहुत ज्यादा याद करता हूं या करती हूं. आप दोनों लड़ते हो गाइस. योर हीलिंग वेज अनब्लॉक्ड माई इमोशंस. आई फील फ्री. आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ. ठीक है, आप तो अपने पर्सन के इमोशंस को अनब्लॉक कर लेते हो जब आप उन्हें हीलिंग सेंड करते हो. तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं. आई सी यू इन माई फ्यूचर. आई लव यू. वो ये भी बोल रहे हैं कि वो आपको अपने फ्यूचर में देखते हैं एंड आई लव यू. ठीक है, ये आपके पर्सन के मैसेजेस हैं गाइस. ठीक है, सो गाइस ये है आपकी रीडिंग. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए. चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू गाइस.